नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के गौलापुल में, जहां पर आज जो गौलापार के लोग हैं और साथ ही कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो आज यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन करने का जो मुद्दा है वो है गौलापुल का क्षतिग्रस्त होना। बीते दिनों जो आपदा आई थी उसमें गौलापुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपदा की भेंट चढ़ गया था, जिससे यहां से आवाजाही जो थी वो पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। तो गौलापार से लेकर चोरगलिया तक लोगों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था जो हल्द्वानी से उनका कनेक्ट करता था, वो है काठगोदाम का, जहाँ से जो लोगों का समय है वो बहुत ज़्यादा लगता था। ऐसे में जो किसान लोग हैं उनकी फसल भी बर्बाद होने लग गई थी। अब थखार के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, प्रशासन से स्थायी पुल की जो है मांग कर रहे हैं कि कम से कम पैदल रास्ता उनको दे दिया जाए, जिससे कि वो अपने जो रोज़मर्रा के थोड़े बहुत काम हैं वो कर लें। यहाँ पर आज पीछा में देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ इनकी मांगें हैं। SDM को आज ये लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं। क्या लगता है कि कब तक पुल का जो निर्माण है वो कर दिया जाएगा, कब तक एक बार फिर से जो गौलापार के लोग हैं वो हल्द्वानी से कनेक्ट कर पाएंगे और कितनी परेशानियां इन लोगों को हो रही है, चलिए बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ विधायक सुमित उर्देश मौजूद है। सर, जिस तरह से गौलापुल बीते दिनों आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, आज मजबूरन यहाँ पे धरना प्रदर्शन आप लोगों की ओर से किया जा रहा है, प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, क्या मांग की गई? देखिए, आपदा और भ्रष्टाचार के बलि चढ़ा है गौलापुर। गौला में पानी तो आया ही आया, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने भ्रष्टाचार कराया और लगातार भ्रष्टाचारी को जो संरक्षण ये सरकार दे रही है। स्टेडियम की मैं बात करूं, वहाँ पे 1 करोड़ रुपए का काम हुआ जो बह गया 9 करोड़ 65 लाख रुपए का। उत्तराखंड कर्ज में डूबा हुआ है और उसके बाद ये अधिकारी ऐसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। काली गाड़ी कमाई करने के अलावा इन अधिकारियों को कोई विकास से मतलब नहीं। हमारे समय में ही तो विकास हुआ, नियोजित विकास हुआ और सब लोगों को अवसर मिला उस विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। आज हमारे काश्तकार भाई जो कि गौलापुल की बंद होने के बाद सब्जी अपने खेतों में फेंक दे रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान है। कहाँ है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कहाँ है MSP, कहाँ है आय दुगना करने की बात, कहाँ है इनकी बातें जो होर्डिंग में बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। और यहाँ के अधिकारी, ये जिला अधिकारी चैन की नींद सोए हैं, इनकी निगरानी में ऐसी चोरी और भ्रष्टाचार पनप रहा है और यहाँ जनता को लेक्चर दे रहे हैं। पहले अपने पाले में झांक कर इनको व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए, फिर किसी से कुछ कहना चाहिए। सर, जिस तरह से कल कुमाऊं कमिश्नर ने यहाँ पे दौरा करा, 20 दिन के अंदर हल्के वाहनों के लिए रास्ता खोलने के निर्देश दिए हैं, आपकी क्या मांगे हैं कि कब तक वाहनों के लिए खोला? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, काठगोदाम के पुल की अभी संजीव आर्य जी भी बात कर रहे थे। दूसरा पुल मेरी माता जी ने बनवाया, पहला पुल आज तक जो आर्मी ने व्यवस्था कर रखी है उस पर चल रहा है टेम्प्ररी। तो आपको लगता है कि ये कुछ काम करने वाले हैं? इनकी सोच काम करने की नहीं है, केवल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, बलात्कारियों को संरक्षण, कानून व्यवस्था में जो गड़बड़ करें उनको संरक्षण, ये इनका मंतव्य है। अब सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचा। इस वक्त हमारे साथ SDM परितोष वर्मा मौजूद है। सर, जिस तरह से आप गौलापार के लोग और खुद सुमित हृदेश आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, आप खुद यहाँ पे पहुंचे, क्या मांगे उनकी हैं और प्रशासन क्या कार्रवाई आगे करेगा? देखिए, जो गौला पुल बहा है, बाकी स्टेडियम वगैरह में जो नुकसान हुआ है, इसके संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया है और शीघ्र ही आवाजाही चालू करने की मांग की गई है। जो हमारा पुराना वैकल्पिक मार्ग है उसमें वन विभाग द्वारा यहाँ पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है और NHAI द्वारा IIT रुड़की से सलाह उपरांत कार्य शुरू करने की योजना बनाई जा रही है और शीघ्र ही पुल के जो अप्रोच रोड पर ही है उस पर भी कार्य शुरू NHAI द्वारा कर दिया। 21 में भी इस तरह की आपदा आई थी सर, तब भी IIT रुड़की से ही जो सलाह मशवरा था वो किया गया था, लेकिन 2 से 3 साल में इस तरह की स्थिति दोबारा देखने को मिली, कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार और लापरवाही। देखिए, इसमें तकनीकी जाँच क्योंकि IIT द्वारा की गई है और उनकी रिपोर्ट जो भी आएगी वो अधिकारियों को सबमिट करेंगे, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की। स्थाई पुल कब तक बना दिया जाएगा? देखिए, अस्थाई मार्ग जो है वो वन विभाग द्वारा स्टार्ट कर दिया गया और शीघ्र ही उसको चालू करने की प्रयास किया जाएगा। और अभी लोगों के लिए जो मांगे इनकी की गई हैं वो रास्ता कब तक दिया जाएगा? उसी की मैं बात कर रहा हूँ, अस्थाई मार्ग जो है वो वन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है और शीघ्र ही उसको चालू कर दिया जाएगा जैसे ही तैयार होता है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? मैं अर्जुन विश्व, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, वर्तमान में प्रतिनिधि ग्राम प्रधान हूँ। तो जिस तरह से लंबे समय से गौलापुल जो है वो बंद पड़ा है आवाजाही के लिए, आपदा के बाद ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, आज मजबूरन आप लोगों को धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा है। संघर्षी जीवन है और जहाँ देखा गया कि SDM साहब द्वारा तत्काल विकल्पी रास्ते में JCB लगा दी गई है और आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर विकल्पी रास्ता चला दिया जाएगा, पर मैं धन्यवाद कहूँगा शासन प्रशासन का। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्यों संघर्ष करने दे रहे हैं, क्यों ना उससे पहले इन विकल्पी रास्ताओं को बनाया जाए।
सर, इससे पहले भी आपने एसडीएम कोर्ट जाकर ज्ञापन सौंपा था और परेशानियां ग्वालापार से लेकर चोरगलिया तक के लोगों को तमाम आ रही हैं। मैं तो कह रहा हूं कि पूरा कुमाऊं प्रभावित हुआ है इससे, ग्वाला पुल टूटने से। और जो हमने ज्ञापन दिया था उसके माध्यम से आश्वासन दिया था उपजिलाधिकारी द्वारा कि जल्दी शीघ्र काम चला जाएगा, और उसके अंदर काम चला दिया गया विकल्पी रास्ता के लिए। और अगर शीघ्र ही पुल मजबूत और अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया तो फिर चोरगलिया ग्वालापार मिलकर एक उच्च आंदोलन करेंगे जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। आज एसडीएम साहब यहां पे पहुंचे हुए थे, क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया और कब तक स्थायी पुल जो है वो बना दिया जाएगा? उप जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनने कहा कि विकल्पी रास्ते का कार्यक्रम चला दिया गया, उसका कार्य चला दिया गया। हम मौके पर गए और जेसीबी भी वहां पर लगाई है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और पुल को मजबूत तरीके से बनाया जाएगा ऐसा जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया। 2021 में भी ऐसी आपदा आई थी, तब भी ये पुल जो था क्षतिग्रस्त हुआ था, तब भी परेशानी ग्वालापार के लोगों को बहुत करनी पड़ी थी। देखो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखता है और ये भ्रष्टाचार का एक नतीजा है। जो पुल 3 बार टूट गया, 9 करोड़ की योजना सरकार द्वारा बह गई है, तो बड़ा दुर्भाग्य हमारा। हम तो कह रहे हैं कि ऐसा आगे को ना हो, और अगर ऐसा आगे को होगा तो पूरा कुमाऊं आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ग्वालापार के उस पार अगर मैं देखूँ तो ज़्यादातर किसान लोग यहाँ पे बसते हैं, फसलें खराब हो रही हैं, मंडी तक सामान पहुँच नहीं पा रहा है, कितनी दिक्कतें जीवन यापन में हो रही है। बिल्कुल, पहले तो मैं किसानों के लिए कहूँगा, किसान द्वारा जो फसलें बनाई जा रही हैं, फसलें लगाई जा रही हैं, और उसको अगर मान लो हल्द्वानी लेना है, ले जाया जाएगा तो उसकी लागत नहीं निकली, किराया इतना महंगा है। और दूसरी बात, हमारी छात्र छात्राएं स्कूल जाना छोड़ दिया, छात्र छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि किराए से, क्योंकि पिताजी मजदूरी करते हैं, मामूली सी 500 रुपये रोज़ की कमाई करते हैं, और उसमें 150 रुपये अगर बच्चों को किराए के लेते हैं तो खाएं क्या? मतलब ये समझ लो कि जिनके परिवार के, गरीब परिवार के बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। और मैं बात करूं रोज़गार की, जो बच्चा हमारा ग्वालापार से हल्द्वानी काम करने जा रहा है 8-10 हज़ार में, उसकी तो 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह में, किराए में चले जा रहा, तो वो भी बच्चों ने जो अपना रोज़गार था वो भी ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र प्रभावित है, इसको संज्ञान में ले शासन प्रशासन, अन्यथा फिर आंदोलन करने के अलावा हमारे पास क्षेत्रवासियों के पास कुछ नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? दया किशन पांडे। सर, जिस तरह से बीते दिनों आपदा आई, आपदा में ग्वालापुल जो है 2021 में एक बार फिर 2024 में क्षतिग्रस्त हो गया है, ग्वालापार के तमाम लोगों को दिक्कतें हुई हैं, वाहन चालकों को दिक्कतें हुई हैं, आज धरना प्रदर्शन करने को आप लोग मजबूर हो गए हैं, क्या लग रहा है समाधान निकलेगा? अब देखिए, हम तो इसी उम्मीद से आए हैं कि कुछ समाधान निकलेगा, जब सरकार कुछ ना कुछ सोचेगी हम लोगों के बारे में। मैं ग्वालापार टेम्पो एसोसिएशन का अध्यक्ष और उत्तराखंड ग्राम प्रदेश संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, और मैं जिस दिन ये पुल टूट रहा था तो मैंने उसी समय बता दिया था, जो है दिन में 4 बजे की बात थी, प्रेस रिपोर्टर खड़े थे वहाँ पर, उनको मैंने बता दिया कि भाई ये जो है इसमें जाल टूटने लगा है और थोड़ी देर में पुल चले जाएगा ये। और हुआ वही, 2 घंटे बाद जो है वो पुल, उसका अप्रोच रोड बह गई है। उसके बाद जब दूसरे दिन मैं आया हूँ, देखा तो रात भर तो बारिश थी, और दूसरे दिन जब आया हूँ तो देखा, मैं ग्वाला में नीचे खड़ा होकर देखा तो सामने वाली जो लिंक रोड जाती है रेलवे फाटक से पुल तक आती है, जो वो बिल्कुल पेड़ समेत धराशायी हो गई रोड पूरी जो है। तो इस समय इतनी समस्या हो रही है कि हम लोगों को जहाँ 20 रुपये किराया जाता था एक आदमी का, वहाँ आज 60 रुपये किराया जा रहा है। ये कहाँ से 60 रुपये का किराया जो आपने बताया, ये कहाँ से जा रहा है? ग्वालापार दानी मंगर से लेके हल्द्वानी का बाया काट दूँ, और इतना जाम लग रहा है उस रोड में जिसका कोई हिसाब नहीं जो है। और महिलाओं और बच्चों को खासकर इतनी परेशानी हो रही है, खासकर जो है प्रसव वाली महिलाओं को जो है उनको तो ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे, और जिस तरह से बताया कि किराया बढ़ चुका है, लोग हल्द्वानी जाने से भी कतराने लगे हैं क्योंकि किराया इतना है। देखिए, जिन बेचारों की 300 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, वो अगर 200 रुपये अगर किराए में दे देंगे तो क्या सौदा खरीद के लेके आएंगे अपने बच्चों के लिए, वो क्या लेके आएंगे उसमें? तो इसलिए मेरा जो है उत्तराखंड सरकार से ये आग्रह है कि भाई इस पुल को जो है अविलंब जो है हम लोग कम से कम पैदल मार्ग तो बना दिया जाए तब तक जो है। 2021 में भी आपदा आई थी, तब भी 9.5 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन 3 साल बाद इस तरह की दोबारा स्थिति बन गई है। किया गया था उसमें जो, मगर उसमें इन लोगों ने जो जिस भी इंजीनियर ने ये पुल बना रखा है ना, मेरे हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि ये पुल जो है मतलब जिस हिसाब से बना रखा है वैसे बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा है पहाड़ों से जब नदियाँ बह के आती हैं तब वो अपनी बाल्यावस्था में रहती हैं, उस समय नदियाँ जो हैं बिल्कुल एकदम ऐसे निकलती हैं कि उसमें बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, पेड़ सब बह के आते हैं। तो इन्होंने गोल पिलर बना रखे हैं, इसके लिए कायदे से लंबे पिलर होने चाहिए थे ताकि पत्थर आएगा सीधा उसके पेट बने लग के सीधा साइड से निकल जाएगा। अच्छा। तो ये पिलर जो है इन्होंने गोल बना रखे हैं, उसमें पुल के जो नीचे जो उसमें जो है ना उसके बुनियाद में भी उसमें ही फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, आज काठगोदाम का पुल 72 का बना हुआ है, ये एनडी तिवारी जी उद्योग मंत्री थे, नहीं उस समय जो है उन्होंने उद्घाटन किया था, मुख्यमंत्री थे यहाँ के, तो वो पुल आज भी ज्यों का त्यों है, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ रिपेयर कर रखा है अभी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले की बात है, रिपेयर किया है, बाकी सब ठीक है। वो जब वो पुल चल रहा है तो ये पुल जो है अभी लगाइए 3 साल में 3 बार टूट गया है ये। एसडीएम आज यहाँ पे आए थे, क्या कहा गया? एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, उनके माध्यम से जो है ये सरकार तक
हमारी रिपोर्ट जाएगी यहाँ से, उम्मीद लग रही है। वो एस डी साहब बोल रहे हैं कि भाई फिलहाल तो हम नीचे से गोला से बनाते हैं, उसमें कुछ यूम पाइप डाल के इस टाइप से जो है वैकल्पिक मार्ग, मगर हमारा सरकार से ये कहना है कि भाई कम से कम उसमें 10-20-50 डंपर जो भी रेता बजरी आता है उसको डाल के वहाँ से उसका भरान कर दिया जाए ताकि हमारे पैदल मार्ग तो चल जाएगा वहाँ से। महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मैं श्रीमती शोभा बिष्ट और मैं का मेरा यहाँ है, मैं रहती हूँ गला उधर हल्द्वानी में। जो आज देखिए, हम तो जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तब तो गोला थी, हम पैदल आते थे जाते थे, अब इतनी जनसंख्या बढ़ गई, जो ये देखिए 4 लाइन बननी चाहिए, आज इतने दिक्कतों का देखिए पुल का क्या हाल हो गया, हमारी स्टेडियम का क्या हाल हो गया, जू का क्या हाल हो गया। मैं सर्वे में तब मैं नगर अध्यक्ष थी, मैडम के साथ लगातार चलती थी मैडम के साथ, और आज देखिए दशा क्या हो गई, कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हो रहा दुखदाई है। अभी हमारे विधायक जी ने कहा हीरानगर में भी बहुत बड़ा कांड हुआ, पैसा देकर गरीबों को और उनकी आवाज़ों को दबा देते हैं। मैं सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि जागो बच्चों और देखो इस सरकार का धुआं देखो। मैं ये गला पार वालों से भी कहती हूँ, क्यों तुम सत्ता के लोभ में क्यों मरते हो, क्यों हमारे हमारे जो यहाँ वो थे क्या दुर्गापाल जी ने इतना काम किया यहाँ हल्दा तुम्हारे यहाँ ये लाल कुआ विधानसभा से, घर घर में सड़क दी उनने, घर घर में नलकूप लगाए, सारा काम करने के बाद भी दुर्गापाल जी को यहाँ से वोट नहीं मिला। बड़ी दुख की बात है, मैं तो यही कहूँगी बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि हमारे जो कांग्रेस के विधायक होते हैं लगातार काम करते हैं, MLA हों MP हों, चाहे हम पार्षद भी रही हूँ, मैं 3 बार हमने पार्षद भी कहा, ये BTC मेंबर रही, लेकिन हमने लगातार काम किया। आज देखिए हम कल 2 दिन से हम देहरादून और हरिद्वार में थे और एक लेडीज हैं, आज हम यहाँ भी पहुँच गई। हम कहते हैं कि कहीं पर भी कोई भी कार्य हो हम तुरंत पहुँच जाते हैं, हम कहते हैं हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि जनता का रुझान कहाँ को है, गलत तरफ जा रहा है ये रुझान, पैसों की तरफ मर रहे हैं और लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कितनी दुर्भाग्य है हमारा जो हमारी जनता हमारे साथ नहीं दे रही है। समस्या ये गोला पुल की है, गोला पुल से लोगों को काफी दिक्कतें यहाँ पे हो रही हैं। हमें ये भी कहूंगे कि देखो पैदल आते और यहाँ से काठगोदाम जाना पड़ा, अभी हम जब आए तो जाम में फंस गए और इतना पूछो ही मत, क्योंकि ये जब ये रास्ता है तो चोरगलिया सारे हमारे यहाँ के लोग आना जाना पैदल भी चले जाते हैं, और सब्जियों आज देखो सब्जी मंडी में क्या हाल हो रहा है, अभी बता तो रहे थे कि सब्जियाँ जंगलों में ऐसे फेंक दी जा रही है, तो बड़ी दुखदाई है। महंगाई चरम सीमा में होगी, आज हमारे कहते हैं ये होगा हम तो सब्जी मंडी सस्ती कर देंगे, फला साग सब्जी कर सस्ती कर देंगे, लेकिन देखिए क्या हाल है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचानी चाहिए। मैम से बात करेंगे, नमस्कार मैम। आपका नाम? पुष्पा नेगी। मैम जिस तरह से आज मजबूरन ग्रामीणों को यहाँ पे बैठना पड़ा, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे थे, खुद विधायक यहाँ पे पहुँचे थे, लोगों को थका के अपनी सब्जियों को जंगल में फेंक देना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता इतना लंबा है कि लागत जो है वो उतनी मिलेगी ही नहीं उनको, दिक्कतें इतनी हैं, समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है, कब तक होने की उम्मीद लगाई जा रही है? देखो इस सरकार से उम्मीद तो नहीं है, अब जो हमारे जागरूक कांग्रेस के लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहे वो सब लोग यहाँ पर आए, धरना प्रदर्शन से ही कितना इन पर प्रभाव पड़ता है ये अब हम देखते हैं। नहीं तो बारिश हुए कम से कम 15 दिन हो गए, अभी तक ये गोला पुल में पैदल रास्ता तक नहीं बनाया इन्हें, लोगों को पैदल मतलब यहाँ से जब वो अपनी सब्जी ले जा रहे हैं उनको उसका मूल्य ही नहीं मिल रहा, तब वो सामान सब्जियाँ फेंक रहे हैं, वहाँ जाने तक उनका भाड़ा ही नहीं निकल पा रहा, तो उसको ले जाके क्या करेंगे। और जो लोग शॉर्टकट आते हैं, जो पहाड़ों को यहाँ से हमारी ये लाइफ लाइन है, बाईपास है, तो यहाँ से सारे मतलब ये पहाड़ को जोड़ने वाली हमारी जो बाईपास बनी थी ये टूट चुकी है। अभी तक अगर कांग्रेस की सरकार होती, क्योंकि कांग्रेस में हम लोगों ने भी काम करा, तो ये अभी तक इस पुल को मतलब एक उस रूप में बना देते कि थोड़ा छोटे मोटे वाहन आए, किसान अपने साग सब्जी ले जा सकें, वो कर सकें, नहीं तो इनसे ये पुल नहीं बन रहा, तो फिलहाल ये सेना के थ्रू उसका लोहे का पुल बनवा लें। जब इतना पैसा 9 करोड़ कितने लाख रुपए यहाँ पर आके ये इसमें मिट्टी भरान कर रहे हैं तो ये क्या काम करेंगे, ये तो कमीशन खा रहे हैं, इनका तो मतलब ये है कि ये टूटे बहे हम कमीशन खाएँ, और दो दो चार चार साल में ये कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे, इतना पैसा हो जा रहा। आ हमको 20-25 साल हो गए मेरे को इस कांग्रेस में काम करके जनप्रतिनिधि, हम उसी फटी हाल से वहाँ नीचे आ गए,
क्यों, हम भी तो कमा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। हमको इनसे उम्मीद दी है, फिर भी हम अपना जोर जबरदस्ती करके, इनको शर्म तो आएगी, शर्म के मारे तब भी करेंगे। अब देखो कितने दिन में करते हैं, उम्मीद तो नहीं है इनसे। एसडीएम आए थे यहाँ पे, एसडीएम की ओर से कब तक कहा गया कि कब तक? वो तो कह रहे हैं आज ही से हम काम शुरू कर देते। मैंने ये कहा, मैंने कहा ये मौका क्यों दिया आप लोगों ने, ये मौका क्यों दिया आप लोगों ने? जब एसडीएम साहब से अभी हमने बात करी, मैंने कहा जब जैसे ही बारिश बंद हुई आपने ये आने जाने का रास्ता उसी दिन से बना देना चाहिए। हम जब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाद आप कह रहे हैं आज से करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब सरकार काम नहीं कर रही तभी तो प्रशासन भी सोया हुआ है और इनके छाती में मूंग दल रहा प्रशासन। धन्यवाद बेटा। चलिए, जिस तरह से आपने देखा कि लोगों ने हमें बताया, साथ ही कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, कुछ सुमित हृदय यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन पहुंचे हुए थे, उनके एसडीएम से वार्ता हुई है। अब वार्ता में क्या निष्कर्ष निकलता है ये आने वाला समय बताया जाएगा, लेकिन जिस तरह से महिला ने हमें बताया है कि इतना लंबे समय बरसात को हुए हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थायी मार्ग है वो कौलापार के लोगों के लिए नहीं दिया गया है। ऐसे में दिक्कतें उनको बहुत सारी है, लेकिन समाधान उनका नहीं हुआ है। बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर ने यहाँ पे दौरा किया था, जिन्होंने 20 दिन के अंदर जो गोलापुर को है वो छोटे वाहनों के लिए चालू करने के निर्देश दिए गए थे। आज एसडीएम की ओर से वार्ता गोलापार के लोगों से की गई है, जो विधायक है सुमित हृदय उनसे की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक गोलापार के लोगों को जो रास्ता है वो मिलता है और कब तक उनकी समस्या का समाधान होता है। ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।